अभी सारे लोग अपने बैठ गए, इसमें भी सेफ्टी फर्स्ट, सारे बेल्ट वगैरह बांध लो भाई, पूरा गाड़ी अपना ड्रैग मारने। अरे अरे रुको रुको रुको, सो वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू ऑन व्हील्स। और आज राइड का सेकेंड डे हम्पी। जैसे मैंने कल रात को आपको बताया था, अपन हम्पी आए पुणे से 500 किलोमीटर। तो आज अपना सेकेंड डे पे होगा हम्पी पूरा एक्सप्लोर, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे ट्रेलर देख सकते हैं मेरे पीछे, ओल्ड स्ट्रक्चर सब, ठीक है। देखो पूरा शोले जैसा सीन दिख रहा है, जैसा लग रहा है कि वहीं पे सांबा खड़ा होगा, ठीक है। तो हो गए सब अपने राइडर लोग रेडी, यहाँ पे बैठे हैं अभी गपशप कर रहे हैं, ठीक है। और आज का रूट पूरा हम्पी का होगा। मेरे पास अभी मैप था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये कुछ मैप था अपने को दिया था, ठीक है। ये हमारे रूम यहाँ पे अभी शील रेडी हो रहा है, ठीक है। ये इधर और है, तो ये मैप था। देखो मैप में अपने को इतने सारी चीज़ें, या आप तो हमेशा आएंगे यार वीडियो में। लो लो लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस गाइस वर्किंग हार्ड। सो भाई को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, वो कर देना। आप तो देख रहे हैं हम लोग दिन में 10-10 घंटा राइड करते हैं, तो ये हमारा पैशन भी है। एट द सेम टाइम वीडियो बनाने के लिए बहुत कष्ट लगते हैं, तो ये जरूर करो। हाँ, ये हमारा बिल्ला, आई मीन बिल्ला, ये हो गया मेरा प्रमोशन, बिल्ला। तो ये अपना मैप है, आज ये सब चीजें, विल ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग्स, ओके। जितना होगा उतना देखेंगे अपन। और राहुल भाई आए हमारे पुणे से, उनके फैंसी। हेलो, तो राहुल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। R15 का नहीं पूछ रहा, वही बोलूंगा। ये चप्पल का मंदिर है। तो जैसे दिन की शुरुआत तो नाश्ते से ही होगी, बिना खाए पिए तो अपन इतना चल नहीं पाएंगे, इतना एनर्जी नहीं। कल से अपन राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेट नाइट गपशप, तब तक टाइम हो गया था अच्छे से, फिर स्लीपिंग नहीं हुई, सुबह जल्दी भी उठ गए थे, बल्कि लेट निकले लेकिन जल्दी उठ गए थे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ का एक फेमस पॉइंट है मैंगो ट्री, वहाँ पर अपन आए, ठीक है। मैंगो ट्री में आए, तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और चलते फिर यहाँ से कुछ, जो भी नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट टू लॉन्गेस्ट जो भी होंगे, फिर वो धीरे धीरे सब अपन कवर करेंगे। हाँ, तुम भी है, तुम रहोगे, तुम हमेशा रहोगे, ठीक है। हाय, ये अभी मैंगो ट्री के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ बाम्बू हाउस टाइप का सीन दिया है यहाँ पे, अच्छा सिटिंग वगैरह। और सबसे बड़ी बात कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले कंपलसरी यू विल नीड टू रिमूव योर शूज़, तो हमने सब ने शूज़ निकाल दिए, ठीक है। तो दिस इज़ द, और अपने यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी अपने लोग सब चले गए आगे, और हम लोग भी हमारे होम स्टे से निकले हैं। यहाँ पे घर घर में होम स्टे बने हैं, कोई बड़े होटल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए जैसे महेश गेस्ट हाउस, शंभू गेस्ट हाउस, ये सब हम लोग घूमते थे कुछ रिवर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऐसे ही होम स्टे बने हुए हैं, बजट होम स्टे अच्छे हैं, ठीक है। फैमिली टाइप फीलिंग देते हैं। मैंगो ट्री था ये, यहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया। तो अभी अपन ये मंदिर में आए, अभी मुझे पता नहीं क्या लिखा है, आई थिंक विरूपेक्षा मंदिर यही होगा, ठीक है। अभी पूछते हैं कौन सा मंदिर है ये, अभी वहाँ पे देखते हैं। वो अपने को लगेज का रखा, देखो वहाँ पे मंकीज। ये मंदिर कौन सा है? विरूपेक्षा, विरूपक्ष, हाँ ये विरूपक्ष में मंदिर है। और यहाँ पे अभी अंदर और भी जाएंगे, यहाँ पे अंदर जाएंगे अभी, पहले वहाँ पे देखते क्या है। अच्छा, फुटवेयर वहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो अभी अंदर आया अपन ने, सिर्फ शू वेयर निकालना था क्योंकि ये मंदिर है ऑफकोर्स, तो शू वेयर निकाल दिए। अब यहाँ पे लगता शायद से 1.5-2 घंटा तो यहाँ पे ही जाएगा। ज्ञानेश भाई फिर से राह देखते हुए सबकी,
थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ठंडक रहेगी तो जरा और मजा आएगा, बट बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने जैसा पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर, मतलब आर्कियोलॉजिकल पूरा बहुत सही है। यहाँ पे ऊपर बंदर लोगों ने पोज दिया है फोटो के लिए। चलो आगे के पॉइंट पे चलते हैं, बस मंदिर में मत्था टेका के चल जा। नहीं कर रहे थे कंटिन्यू कर रहे थे तो देखते जाओ आप लोग। अरे सामने का एलिफेंट एक्सक्यूज मी ऐसे लग रहा है कि इनको हैबिट है, आओ हमारे फोटो निकालो। तो कितने सारे हैं। तो बस इतना ही है, यहाँ पे एक मंदिर है तो ये जो ऊपर आप पेंटिंग देख रहे हो, दिस इज अ 500 इयर्स ओल्ड पेंटिंग। और अंदर से मंदिर है, यहाँ पे वानर सेना बहुत है। यहाँ पे भी बहुत ही गबरू है भाई, टूटेगा। तो अंदर मंदिर में अभी कुछ अलाउड नहीं है फोटोग्राफी बिल्कुल भी, तो दूसरा और कुछ देखते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं, मैं नाम भूल गया अभी क्या पॉइंट का नाम है, वो जो 20 रुपीज़ की नोट पे जो अपना पेंटिंग किया है वो पॉइंट। जहाँ पे भी हम्पी में वही सीन है, कहीं पे भी जाओ कुछ ना कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर आपको ऐसा बना, आधा डेमोलिश किया हुआ, आधा मतलब वैसा का वैसा ही उसको मेंटेन किया हुआ है कि पूरा नेचुरली लगेगी। जो उसका कुछ कुछ मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे देख रहा हूँ मैं, पर मोस्टली सभी जगह पे देखो ये हिल्स के भी लुक ऐसे है कि शायद से शोले का शूटिंग यहीं कहीं पे हुआ होगा, ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मूवी का शूटिंग होता ही रहता है। अभी एक जैसे अक्षय कुमार का कौन सा सॉन्ग था, वो कोई तो भी मूवी का सॉन्ग था अपना साउथ रिमेक, उसका मूवी का सॉन्ग का शूटिंग यहीं पे हुआ था कहीं पे। ये जैसे भी देखो आधा टूटा हुआ है, आधा ऐसे ही रखा है, तो वैसा का वैसे ही रखा है, सिर्फ जितना है उतना उन लोग मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग सम एंट्री चार्ज और सम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चार्जेस फॉर मेंटेनिंग दिस।
मैंने गाड़ी बुक कर ली है, ठीक है, पूरा पीएमसी का एक गाड़ी जिसमें अभी सारे लोग अपने बैठ गए, इसमें भी सेफ्टी फर्स्ट, सारे बेल्ट वगैरह बांध लो भाई, पूरा गाड़ी अपना ट्रैक मारने, अरे अरे रुको रुको, अरे मेन आदमी को, मेन आदमी को, तो ये अपना निकल पड़ा, ये चल रहा है यहाँ पे, और ये अपने ग्रुप के एडमिन सबको मैनेज करते हुए, और आपके सामने कुछ एक फेमस हाँ अभी कोच तो भी बहुत गंदा बोला उसने, एक मिनी मारेंगे यार इसको, और फिर से ध्यानेश ने अपनी गड़बड़ दिखाते हुए, बाबा जी क्या कर रहे हो आप, चलो 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 चलो, बाय बाय, ये हमारा ग्रुप नहीं सुधरेगा, चलता रहेगा। तो अभी ये जो फेमस पॉइंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वहाँ पे भी अपन आए, आग तो कब से गए थे लेकिन एक घंटा अननेसेसरी वेस्ट हुआ सिर्फ टिकट निकालने में। तो ये अभी आपके सामने जो ये रथ दिख रहा है दैट इज़ अ, ये देखो 50 का आपके लिए, मेरे पास 50 रुपीज़ का नोट नहीं था पर मैं मैनेज किया दिखाने के लिए, सी ये 50 रुपीज़ का जो ऊपर प्रिंट लिया है वो यहाँ से हम्पी से लिया है, तो ये देखो सब, ये 50 रुपीज का नोट भाड़े पे मिलेगा भाई, ऐसे नहीं, मेरा ही नोट आप मेरे से भाड़े पे ले रहे हो, और ये मैंने उसको दिया था तो आप मेरे को दो, ये हाथ, अरे भाई दिखाने दो थोड़ा, तो ये देखो ये मैच टू मैच कर रहा है पूरा, पेट्रोल भरा है नहीं आज, ठीक है ये लो भाई, तो इसका एक 360 लेते हैं फिर से जाने भाई, we'll be right back.
तो वहाँ पे अभी भी अपना ग्रुप कुछ फोटो शूट ये वो चल रहा है सभी का। दिस इज नील, दिस इज निहार। तो आप जब भी हम्पी आओ तो मेक श्योर कि कोई अपना गाइड यार ले लो साथ में, क्योंकि विदाउट गाइड है ना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, अन्यथा कोई ठीक से आपको गाइड नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे ऐसा है कि पैसा फेंक तमाशा देख जैसा कार्यक्रम है, ठीक है, हर जगह पे फीस भरना है, हर जगह पे आपको, जैसे मैंने कहा कि पर टिकट हमने 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिए है उसको सिर्फ नेटवर्क के लिए, यू नो, जस्ट बिकॉज अपना नेटवर्क नहीं चल रहा था तो हमको सिर्फ हॉटस्पॉट लेने के लिए 5 रुपीज पर टिकट हमने उसको एक्स्ट्रा दिए। तो ये हम्पी में ऐसा सीन है, ठीक है, इतना सब थोड़ा नहीं मिला बट ठीक है, सो फार सो गुड। Thank you.